नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। देखने में बहुत सुंदर है और बनाने में बहुत आसान है। ये देखो इसकी बाजू, और नीचे से मैंने फ्रिल बनाई है। ऊपर से गले से शुरू होती है ये वाली, गले से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है। ये मैंने यहाँ से फ्रिल डाले हुए हैं और जहाँ मैंने पत्ती डाली हुई है। ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए है। देखने में बहुत सुंदर है और बनाने में बहुत सरल और आसान है। जी मैंने ये बाजू के सामने भी फ्रिल बनाई है। ये देखो यहाँ से भी हमने ये ऐसे डिज़ाइन बनाया हुआ है। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। चलो आपको बनाना सिखाएं। वीडियो देखने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को दबाना, जो कि हमें नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। चलो शुरू करते हैं। फिर मैंने 77 फंदे डाले हैं। 77 फंदे डाल के मैंने 1, 2, 3, 6 सिलाइयां मैंने सीधी सीधी डाल ली हैं। 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी डाल के अब हम बटन होल करना है। एक दो तीन 8 फंदे मैंने पट्टी के बनाए हैं। आप पूरी सीधी सिलाई डाल लूँगी एक, और उसमें एक सिलाई उल्टी डाल के फिर हम इसका डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये देखो, ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे मैंने बंद पट्टी के रखे हैं। 8 इधर और 8 इधर। ये गले से शुरू होती है ना, 1 साल के बच्चे की है। अब हमने डिज़ाइन डालना है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे नहीं करना, 1 सीधा, 2 उल्टे। धागा पीछे नहीं करना क्योंकि हमने जाली डालनी है। 1 सीधा, 2 उल्टे, 1 सीधा। धागा पीछे नहीं करना, 1 सीधा, 2 उल्टे, 1 सीधा, क्योंकि साथ साथ में हमने फंदे बढ़ाने भी है और जाली भी डालनी है। सीधा, 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे बटन पट्टी के आ गए। अब उल्टी सिलाई, 2, 4, 6, 7 और 8 हमारे बटन पट्टी के, 2 उल्टे। अब यहाँ 2 सीधे हो जाएंगे। जो हमने फंदा बढ़ाया ना, जाली पाई है, वो भी बढ़ जाएगा। 2 उल्टे और 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, ऐसे पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लो। फिर अगली रो में आपको बताती हूँ। दो सीधे, एक उल्टा था ना, अब 2 उल्टे हो गए।
दो सीधे, हमारी उल्टी सिलाई है। जड़े दो उल्टे और दो उल्टे ही रहने हैं, जो हमने जाली डाल डाल के बढ़ाने हैं फंदे वो सीधे होते जाने हैं। पहले एक था, अब दो हो गए, ये हमारे बटन पट्टी के, ये हमारे सीधे ही आएंगे। आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये दो उल्टे। अब जाली, फिर एक सीधा, फिर दो उल्टे, फिर जाली, फिर एक सीधा। अब तीन हो गए, पहले एक था, अब तीन हो गए, दो उल्टे, फिर जाली, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दूसरा सीधा, दो उल्टे, एक जाली, फिर एक सीधा, दो उल्टे, फिर जाली। धागा आगे रखना है, फिर जाली, एक सीधा, दो उल्टे, धागा आगे रखना, एक सीधा, जाली, एक सीधा, दो उल्टे, धागा आगे, जाली। ऐसे आप पूरी कंप्लीट कर लो रो। ऐसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर दो फंदे सीधे और एक दो तीन हो गए उल्टे, फिर दो सीधे, तीन उल्टे। ऐसी अपनी पूरी रो खत्म कर लो ये वाली। जाली, अब आगे तीन थे, अब चार हो गए, दो उल्टे, जाली, दो सीधे। पहले एक था, फिर दो हुए, अब तीन हुए, अब चार हो गए। ऐसे हमने ये एक दो तीन जाली बनी है, ऐसे हमने आठ जाली बनानी है। सीधी इधर उल्टी तरफ से ये फंदे, अब एक दो तीन चार हो गए उल्टे। ऐसे आपने आठ जाली बनाकर फिर आगे आपको दिखाऊंगी। आठ जाली ऐसे बना लो आप। ये देखो, ये हमारियाँ इतना बन गया है हमारा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हमने जाली डाल दी एक फ्लावर की तरह, ये बन गया।
अब हम इसे फ्लावर बंद करने की पट्टी के लिए हमारे जितने फंदे हम दो तीन चार पाँच छः सात और आठ दो फंदे उल्टे ये फंदा जो हमने जाली डाली थी ना इसको हमने ऐसे घुमाकर ऐसे सीधा कर लेना और फिर जाली डाल देना दो का एक कर देना बाकी सीधे दो उल्टे फिर धागा आगे ये फंदा हमने उतार के सीधा ऐसे कर देना और दो का जाली भी डालनी है दो का एक भी करना है एक दो तीन चार पाँच छः सात दो उल्टे धागा आ गई इसे ऐसे सीधा दो का एक एक दो तीन चार पाँच छः और सात दो उल्टे आगे हमारे जो सीधे फंदे बढ़ रहे थे ना अब उल्टे फंदे बढ़ेंगे सीधे बंद होते जाएंगे और उल्टे बढ़ते जाएंगे दो उल्टे दो उल्टे धागा आ गई इस फंदे को सीधा ऐसे कर देना दो का एक कर देना साथ में जाली भी डालनी है और दो का एक भी करना बाकी सात फंदे सीधे आ जाएंगे दो उल्टे धागा आगे इसको ऐसे सीधा दो का एक दो उल्टे फिर फंदा वो वाला गया जाली वाला फंदा आया जे वाला सीधे इसको ऐसे सीधा कर देना और दो का जो जाली वाला फंदा ना उसे करना हमने सीधा
से अपने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये सीधा दो का एक, जाली भी डल गई और दो का एक भी हो गया। ये फंदा फिर आ गया सीधा। दो का एक, ऐसे रो पूरी कंप्लीट आप कर लो। ये पट्टी वाले फंदे, आठ फंदे पट्टी के हैं हमारे। उल्टी सिलाई, अब आगे दो सीधे फंदे थे ना, अब तीन हो जाएंगे। जो हमने जाली बढ़ाकर फंदा बढ़ाया ना, वो सीधा ही बुनेंगे, उल्टी तरफ से सीधे हो जाएंगे। दो थे, अब तीन हो गए। ये जाली वाला फंदा जो है ना, जाली वाला, इसे सीधा ही बुनना है। आगे दो सीधे थे ना, अब तीन हो गए। ऐसे पूरी रो कंप्लीट कर लो आप। एक, दो, तीन और चार हो गए। फिर जाली आगे, फिर फंदा उठा के ऐसे उठा देना। उल्टे फंदे जड़े ना, वो बढ़ते जाने और सीधे कम होते जाने।
देखो ये शेप बनने लग गई, ये देखो जैसी शेप जाने लग पड़ेगी। बस ऐसे ही आपने उल्टी सिलाई में भी फंदे ये बढ़ जाएंगे और सीधी सिलाई में भी ये बढ़ेंगे, ये कम होते जाएंगे सीधे वाले। ऐसे आप थोड़ा आगे बुन लो, फिर आगे आपको बताती हूँ। एक और आपको फिर बता देती हूँ। ऐसे आप सिलाई कंप्लीट कर लेना, उल्टी सिलाई तो ऐसे जैसे उल्टी वैसे बुननी। ये देखो मेरा इतना बन गया, ये देखो अब हमारे तीन दो फंदे रह गए। दो फंदों को भी हमने धागा आगे इसको ऐसे सीधा करके दो का एक उल्टे पूरे उल्टे पूरे उल्टे धागा आगे ही रहने देना। इस फंदे को उतार के हमने सीधा कर लेना दो का एक, फिर फंदे पूरे उल्टे जैसे हम कर रहे थे। एक एक फंदा करके हमने सारे फंदे बंद कर दिए वो वाले, और उल्टे फंदे हमारे चल रहे हैं। इसे ऐसे करके एक फंदा रह गया हमारा, ये देखो ये हमारे पूरा कवर हो गया। अब हम इसको सारे फंदों को डिवाइड करना है। ये 238 फंदे हमारे बन गए हैं। अब इसको मैं डिवाइड करके आपको बताऊंगी। और उल्टी सिलाई जो आई ना, उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी ही डालनी है। सॉरी, पूरी सीधी ही डालनी है, उल्टी नहीं सीधी ही आनी है। एक फंदा हमारा उल्टा था ना, वो भी सीधा ही डाल लेना हमने। पूरी सिलाई हमारी सीधी आएगी। अब मैं सारे फंदों को डिवाइड करके आपको बताती हूँ कितने कितने फंदे कितने कितने डालने हैं। आपको पूरे फंदे मैं डिवाइड करके बताती हूँ। ये देखो जे मैंने सारे फंदे अब डिवाइड कर लिए। मैंने 8 फंदे पट्टी के और 30 फंदे आगे वाले हिस्से में और पीछे वाले 30 से ये वाले आ गए 50 आ गए दोनों बाजू के, 50-50 दोनों बाजू मैंने निकाल दी यहाँ से। ये देखो ये मैंने बाजू निकाल ली, ये देखो 50-50 फंदे बाजू के, 30-30 दोनों आगे वाले हिस्से में और 62 पीछे वाले हिस्से में आए और 8-8 फंदे हमारे बटन पट्टी के आ गए। और मैंने 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी डाल ली। अब हम थोड़ा सा डिज़ाइन आगे डालेंगे। ये देखो
पहले बटन पट्टी के फंदे अब मैंने पांच फंदे मैंने सीधे 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 ही डालने हैं और एक फंदा मैंने बीच में सीधा रखा है। मैं पत्ती बनाने जा रही हूँ। ये मैंने एक पहला फंदे सीधा रख लिया। मैंने जब ये सीधी सीधी सिलाइयाँ मैंने चढ़ाई ना ये वालियाँ बीच में मैंने रख लिया था एक फंदा सीधा। ये देखो पांच इधर एक सीधा फंदा। पहले आठ फंदे सीधे पट्टी आठ फंदे पट्टी के बनाए मैंने। आठ फंदे सीधे बटन पट्टी के फिर मैंने पांच फंदे सीधे रखे। एक पांच फंदे मैं सीधे सीधे ही बुनूंगी दोनों तरफ से। एक फंदा मैंने सीधा रखा बीच में ये वाला पांच फिर इधर जो एक फंदा रखा ना मैंने इसकी हमने जाली पानी है धागा आगे करके जाली दूसरी जाली सॉरी एक जाली डाल गई फिर दूसरी जाली एक तीन चार और पांच ये पूरी सीधी सिलाई जाएगी। दोनों तरफ से मैंने पत्ती बनानी है दोनों तरफ से पत्ती बनाएंगे और सेंटर दोनों साइडों में ना हम एक फंदा भी बढ़ाएंगे दो दो आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये हमारा दोनों तरफ का सेंटर आ गया। अब हमने फंदा बढ़ाने हैं एक फंदा इधर से और एक फंदा पीछे से वाले ये दोनों तरफ से हम फंदे बढ़ाएंगे इससे हमारी शेप वो अच्छी बनेगी फ्रॉक की। दोनों तरफ से है दो दो फंदे बढ़ेंगे पांचवी सिलाई में हम बढ़ाएंगे। बाकी सीधे ये देखो दूसरी तरफ से भी ये हमारा सेंटर आ गया ये वाला। सेंटर से पहले एक फंदा एक फंदा हम वैसे बुन लेंगे फिर एक फंदा ये हमारे अब यहाँ पत्ती बनानी हमने। अब ये फंदे पांच फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे इधर से उल्टी तरफ से भी पांच आएंगे और ये फंदा आ गया। ये हमने जाली बनानी फंदा आगे करके फिर आगे धागा बाकी ये फंदे बटन पट्टी के उल्टी सिलाई ये पांच फंदे हमारे सीधे
और तीन फंदे हमारे फिर इस सेंटर में उल्टे आ जाएंगे, बीच में ये तीन फंदे उल्टे, फिर पांच सीधे, बाकी उल्टे सारे इस तरह ही इधर 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 आएंगे, लास्ट में भी ऐसे आएंगे, स्टार्ट में भी ऐसे आएंगे, बाकी सारी उल्टी सिलाई उल्टी। ये देखो ये जाली दो पास से डाली थी ना, एक फंदा मैंने बुन लिया पहले बटन पट्टी के, फिर पांच मैंने सीधे डाले, एक और सीधा, फिर जाली धागा आगे, दो जालियां डाल ली, फिर एक पहले एक फंदा था, फिर तीन हो गए, अब पांच हो गए, दूसरी तरफ भी ऐसे डाल लेनी है, इधर भी ऐसे ही यहां डालनी है उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब हमने यहाँ फंदा नहीं बढ़ाना, पांचवी सिलाई में हम बढ़ाएंगे। ये देखो दूसरी तरफ भी आ गए, धागा आगे, फिर धागा आगे, उल्टी सिलाई में इतने फंदे हमारे सीधे आएंगे, पांच सीधे, फिर पहले एक था, फिर तीन हुए, अब पांच हो गए, पांच उल्टे, फिर पांच सीधे, बाकी सारे उल्टे। हाँ देखो अब पत्ती बनने जा रही है, एक दो तीन चार पांच, पांच मैंने जाली डाल ली, पहले एक फंदा था, फिर तीन हुए, फिर पांच, फिर सात, फिर नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह हो गए। ये पत्ती बनाना मैं तुहानू वक्खरी सिखा दिंदी है। बटन होल करने मत भूलना, अपने हिसाब से बटन होल कर लेना, और साइड में जो फंदे ये भी साथ साथ बढ़ाते जाना, आपकी फ्रॉक की शेप अच्छी आएगी। ये पत्ती आपको मैं बकरी बनाना सिखाती हूँ। ये देखो मैंने पांच फंदे डाले, एक सिलाई मैंने सीधी डाल के, दो दो मैंने सीधे सीधे कर ले, बीच में एक मैंने फंदा मैंने सीधा रख लिया, ये फंदा सीधा आ गया ना, इसे हम जाली बना लेंगे, दो जाली, उल्टी सिलाई में दो हमने फंदे सीधे रखने, तीन हमारे उल्टे हो जाएंगे, दो फिर सीधे, सीधी सिलाई, दो सीधे, एक और सीधा, यह जाली, फिर पहला एक था, दूसरी जाली, पहले एक, फिर तीन हुए, दो सीधे, एक दो तीन चार पाँच, दो सीधे,
एक दो, फिर जाली, एक और जाली, दो जाली, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात हमने उल्टे कर दिए। एक फंदे तो हमने सात फंदे बना लिए। जो चेन से आती है ना, इसके एक इससे पहले जाली डालनी, एक इसके बाद। दो सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, जैसे आगे चाली। अब हमारे 11 फंदे हो गए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और 11। अब हमने निबड़ाने, हम पत्ती की शेप देनी है। अब हमने इसे कटाना शुरू करेंगे। एक हम सिंपल सिलाई डाल लेंगे। सिंपल, इसमें ना कटाना ना बढ़ाना, कुछ नहीं करना, सिंपल सीधी और उल्टी। अब ये वाला फंदा हमने इसको ऐसे उठाकर ऐसे सीधा कर लेना, दो का एक, एक दो तीन चार पाँच छ सात, इधर फिर हमने दो का एक, ग्यारह, तो नौ फंदे हो गए हमारे। फिर फंदा ऐसे उठाना और ऐसे ऐसे दो का एक,
इधर फिर दो का एक, एक दो तीन चार पाँच छः और सात फंदे। फिर फंदे को ऐसे उठाकर ऐसे करना दो का एक। फिर दो का एक तीन फंदे रह गए हमारे। ये देखो ऐसे ऐसे इधर करके दो का एक कर देना, और जो फंदा हमने उतारा था ना उसे इसके ऊपर से ऐसे पत्ती की शेप बन गई। ये देखो पूरी पत्ते की शेप बन गई। बस लास्ट में एक फंदा उतार के दो का एक करके उसके ऊपर से ऐसे उल्टा देना। ये देखो यहाँ भी एक पत्ती मैंने बनानी है, एक पत्ती मैंने इधर बनाई है फ्रंट पे ही बनाई दोनों। इस तो अगली पत्ती फिर शुरू कर लेनी है ऐसे ही, ऐसे पत्तियाँ बनाकर मैंने आपको पूरा बनाकर दिखाऊंगी। और जहाँ अपनी बटन होल करना मत भूलना, बटन होल भी साथ साथ करते जाना, और बीच में फंदे जो बनाने हैं वो भी साथ साथ पंजवीं सिलाई में बढ़ाते जाना, इससे आपकी फ्रॉक की शेप अच्छी बनेगी। इतना बनाकर फिर आगे आपको दिखाऊंगी। ये देखो ये मैंने पूरी पत्तियाँ बना ली हैं और थल्ले फ्रिल बनाई है। ये देखो एक बाजू मैंने बनाई है, दूसरी बाजू अभी बनानी है। ये पत्ती तो आपको मैंने बनानी सिखा दी थी, अब ये फ्रिल बनानी आपको मैं सिखा दूंगी। यहाँ बटन लगा देंगे फिर हम। ये बाजू मैंने बना ली है, अब आपको फ्रिल बनाना सिखाते हैं। यहाँ फ्रिल बनाएंगे इसके आगे। दो उल्टे एक सीधा बुनना और जाली बना के, फिर दो उल्टे धागा आगे एक सीधा, दो उल्टे धागा आ गई सीधा, जाली बनानी है ना हमने, दो उल्टे धागा आगे जाली, दो उल्टे
धागा आगे जाली, दो उल्टे, दो उल्टे, धागा आगे जाली, उल्टी सिलाई में जो हमने बनाया था ना जाली डाली थी वो दो उल्टे हो जाएंगे, एक फंदा बढ़ गया, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, ऐसे पूरी कंप्लीट कर लो, दो उल्टे दो सीधे आने, दो उल्टे दो सीधे आने, उल्टी सिलाई में दो सीधे दो उल्टे, ऐसे कंप्लीट कर लो। सीधी सिलाई, दो उल्टे, धागा आगे फिर जाली, अब तीन सीधे हो गए, दो उल्टे, धागा आगे, एक जाली एक सीधा, दो उल्टे, धागा आगे फिर जाली एक सीधा, दो उल्टे, धागा आगे फिर जाली, ऐसे ऐसे आप रो पूरी कंप्लीट कर लो। और उल्टी सिलाई में तीन उल्टे हो जाएंगे, जो जाली हमने बढ़ाई है डाली है ना उसका भी फंदा सीधे में बुना जाएगा। उल्टी सिलाई में भी हमारी तीन आगे दो सीधे अब तीन हो जाएंगे। सीधी सिलाई, फिर दो उल्टे, धागा आगे फिर जाली, फिर हमारे फंदे चार सीधे हो गए। अब पहले एक था फिर दो फिर तीन अब चार हो गए, फिर दो उल्टे, धागा आगे ही रखना, जब उल्टे दो बुनने हैं उसके आगे उससे बाद जाली डालनी है, फिर दो उल्टे, धागा आगे फिर जाली, फिर दो सीधे, क्योंकि चार बन गए, एक दो तीन चार, फिर दो उल्टे, फिर धागा आगे जाली, दो सीधे और, फिर दो उल्टे, धागा आगे फिर जाली। उल्टी सिलाई में चार फंदे सीधे हो जाएंगे, दो उल्टे और चार फंदे सीधे, उल्टी सिलाई में। सीधी सिलाई, दो उल्टे, फिर धागा आगे, फिर जाली, एक दो और तीन, अब पांच फंदे हो गए हमारे। फिर धागा आगे जाली, देखो उल्टे ऐसे ऐसे बन जाएगी, उल्टी तरफ से ऐसे और सीधी तरफ से ऐसे, इवन एक दो तीन चार पांच चाय डालनी है, एक दो तीन चार पांच, पांच चाली डाल के बस ऐसे ही करते जाना, धागा आगे, दो उल्टे फंदे बुनन तो पहले जाली डालनी है, बस इतना ध्यान रखना, दो उल्टे फंदे बुन ले फिर जाली डालनी। ये देखो दो उल्टे बुन लिए, साथ में जाली डाल देनी, इससे फंदा बढ़ जाएगा।
उल्टे नहीं बढ़ने, सीधे बढ़ने हैं। दो उल्टे बुने, साथ में ही जाली, ऐसे करके आप पांच जाली डाल लो। ये देखो ये बन गया। ये मैंने छः फंदे कर लिए, एक दो तीन चार पाँच छः, देखो छः फंदे मेरे सीधे करके और पांच जाली डाल ली। आप चाहो तो ज़्यादा जाली भी डाल सकते हो, मैंने पांच डाल ली, दस तक भी आप डाल सकते हो, आपने जितनी चौड़ी फ्रिल बनानी हो। अब हम इसे बंद कर देंगे, सिंपल। बिल्कुल सिंपल धागे फंदे ऐसे, एक एक फंदा बुनना, दूसरे के ऊपर ऐसे उल्टा के जैसे हम बंद करते हैं वैसे ही। ऐसे ही हम पूरा बंद कर देंगे। बंद करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये बाजू भी कंप्लीट हो गई, ये देखो ये बन गए। ये दूसरी बाजू हमने बनानी है। दूसरी बाजू जैसे हम नीचे फंदे कराते हैं ना, यहाँ हमने नीचे से फंदे हम बढ़ाते जाते हैं ना, यहाँ से हम फंदे पांचवी सिलाई में कटाते जाना। एक फंदा उतार के ऐसे दो का एक कर देना, इधर से भी और इधर से भी पांचवी सिलाई में करना है। तो उसके आगे हमने फिर फ्रिल ऐसे फ्रिल बना लेनी है। यहाँ बटन लगा लेंगे हम। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन दबाना, जाके हमारी नई वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच पाएगी।